जहां एक और दहेज जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है, वहीं दहेज के लोभियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में सीकर के फतेहपुर की एक बेटी की अपने ससुराल श्री डूंगरगढ़ में छत से गिरने के कारण मौत हो गई। वहीं पीहर पक्ष ने दहेज की मांग को लेकर ससुराल पक्ष पर हत्या करने का मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के मुताबिक फतेहपुर निवासी सज्जन कुमार सोनी ने अपनी बेटी मेघा की शादी श्री डूंगरगढ़ के श्रवण सोनी से की थी और शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज के लिए उसे परेशान करने लगे और उसे घर से भी बाहर निकाल दिया था। तब वह फतेहपुर रह रही थी। आपको बता दें कि 2 मई को ससुराल पक्ष मामले को खत्म करते हुए मेघा को अपने साथ ले गया, जहां मेघा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वहीं घटना को लेकर फतेहपुर के लोगों में काफी रोष व्याप्त है और इसी के चलते लक्ष्मीनाथ कटले में मीटिंग बुलाई गई है। लड़की की शादी हुई थी, तो शादी के तुरंत ही बाद लड़की को मतलब प्रताड़ित करने लग गई। लड़की जब भी आती है बोले मम्मी मेरे को ही सारे लोग ससुराल के सब मेरे को मिलके परेशान कर रहे हैं। कभी बोले कुछ मांगते हैं, कभी बोले तो 50,000 लाके आ, 1,00,000 लेके आ। और हमने जो शादी में इतने पैसे लगाए थे कि हमारे वो भी कर्जा अभी तक नहीं उतरा, तो फिर भी हम उसको 10-20 हज़ार रुपए करके देते थे, लेकिन वो मानते नहीं थे बिल्कुल भी। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता राकेश गुर्जर फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी राकेश, ये बताएं क्या कुछ है पूरा मामला और क्या कुछ खुलासा अब तक हो पाया है? देखिए, पूरे मामले की अगर बात की जाए तो ये श्री डूंगरगढ़ की घटना है, जहाँ पर बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ की जहाँ पर इस लड़की की छत से गिरने से मौत हो जाती है। और पीहर पक्ष है जो कि फतेहपुर का है और उसने आरोप लगाया, पीहर पक्ष के जो लड़की के पिता है उन्होंने आरोप लगाया है कि अब मेरी बेटी को छत से धक्का देकर उनके वाले पति और उसकी सास और ससुर ननद सब पर दहेज हत्या का मुकदमा है वो दर्ज कराया गया है। लगातार जो पीड़ित पक्ष है, जो पीहर पक्ष है लड़की के, उनकी मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जाए। और क्योंकि अगर बता देना चाहेंगे कि जो लड़की है उसकी जो पीड़ित मेगा है जिसकी शादी है वो एक साल पहले 20 फरवरी 2018 को हुई थी और शादी का एक साल भी जब नहीं बीता, 13 महीने ही शादी को हुआ था, इतने पहले ही जो लड़की की मौत हो जाती है। इसके बाद में पूरे जो फतेहपुर के सर्व समाज आज है वो इस मामले को लेकर आज लक्ष्मीनाथ कटले में मीटिंग करेगा और लड़की को इस मेगा को जल्द से जल्द न्याय मिले लोगों की लोग मीटिंग करेंगे। जी जी राकेश, ये बताएं कि क्या पुलिस ने ससुराल पक्ष के लोगों को हिरासत में ले लिया है, क्या कुछ कार्रवाई आगे के लिए की जा रही है? देखिए, हिरासत अगर पूरे मामले की अगर बात की है तो अभी तक किसी को भी हिरासत में, हालांकि इन आरोपियों को पूछताछ तो की जा रही है लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार है वो करने की सूचना अभी तक नहीं मिली है। और जो लड़की जिस तरीके से लड़की के पिता और माता का जिस तरीके से कहना, लगातार जो आरोपी है वो दहेज के लिए मांग कर रहे थे और लड़की 15 दिन पहले ही यहाँ से गई है और उनका कहना है कि सभी समाज के लोग हैं वो इनको मना जता के ले गए हैं कि अब से अगर, क्योंकि दहेज की मांग लगातार की जा रही थी और आगे ऐसी कुछ मांग नहीं होगी ऐसा कुछ आश्वासन दिलाकर उस मेगा को ले जाया जाता है, उसके बाद की बात की जाए तो फिर से इस घटना को अंजाम दिया जाता है। जी जी राकेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।